नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। नई टेम्परेरी राइस सूट पॉलिसी के विरोध में उतरे धान उत्पादक किसान। रानिया व एलनाबाद खंड में करीब 50 गांव के किसान नई नीति से प्रभावित। किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष जताया रोष। अपनी मांगों को लेकर के जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नई नीति में तानाशाही प्रभाव वाली शर्तों का विरोध व बहिष्कार की घोषणा। पिछले 30 से 35 वर्षों से किसान राइस सूट आरजी मोगों द्वारा करते आ रहे हैं सिंचाई। नई नीति में 100% फीस बढ़ोतरी व का किसान कर रहे हैं विरोध। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। राइस सूट पॉलिसी 2018 के खिलाफ आज किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त बरसाती पानी का सरकार भेदभावपूर्ण नीति लागू कर रही है, इसका डटकर विरोध किया जाएगा। उपायुक्त की गैर मौजूदगी में किसानों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बाद में इस मुद्दे को लेकर के किसानों ने सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को भी ज्ञापन सौंपा और इस प्रकार की समस्या रखी। किसानों ने नई नीति को पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने इस नीति को वापस नहीं लिया तो मजबूरन उन्हें आंदोलन तेज करना होगा। करीब 50 गांव के किसान नई पॉलिसी से परेशान है। नई पॉलिसी के तहत करीब 100% फीस बढ़ा दी गई है, साथ ही धान के अलावा 25% दूसरी फसल की बिजाई करना भी अनिवार्य कर दिया है। किसानों ने बताया कि घग्गर के इलाके में किसानों के लिए यह बड़ी समस्या की बात है। इसके अतिरिक्त नई पॉलिसी के अनुसार डॉल निकालने का प्रावधान भी किया गया है, जिसके चलते कई किसान सिंचाई के पानी से वंचित रह जाएंगे। ड्रॉ सिस्टम के कारण किसानों द्वारा लाखों रुपए की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइन का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। घट तो घट 50 पिंडा दे किसान इतने कट्ठे हुए, जिहड़ी कि अज तो 50 साल हो गए सानू जिहड़ा पानी असी आरजी मोगी फीस भर के लाने। अज तो 3 साल पहले भी सरकार ने साडिया मोगियां जिहड़ियां उहदी एग्रीमेंट बंद करते सी, ते असी बड़ा संघर्ष करके ये मोगियां चालू कराइया। हुण 1.5 महीना हो गया सरकार सानू किसे 50 पिंडा दे घट तो घट किसान कट्ठे हुए, किसे नू पानी देण नू तैयार नहीं, किसे नू मोगियां दी फीस भराउण नू तैयार नहीं। असी सरकार तो बेनती करते हैं कि साड़ी ये जी फीस भराई जाए। ये किसान ये सरकार जी रोज कह रही है किसान इतनी सरकार आ जरा असी पानी किसान है पाकिस्तान के जा रहा है, वो पानी असी फीस भर के बोल ला रहे हैं, वो किसानों पानी दे रही, कितों किसान इतनी सरकार आ। असी बेनती करते हैं कि असी घट तो घट 50 पिंडा के किसान इतने कट्ठे हुए हैं, साड़िया फीसा भराइया जाने तो सानू जड़िया मोगियां की जी खोल दिती जाए। सानू पुरानी पॉलिसी जी कि 50 साल की साड़ी चली जाती है इन्हों मोगियों बारे, वो ही अस साढ़े को फीस भराई जाए। पुरानी पॉलिसी के नाल ही सानू फीसा भराइया जा तो सानू पानी दिता जाए, तो असी जितों तकड़े तो तकड़ा संघर्ष करांगे। जिमीदार इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो कुदरत का अनमोल तोहफा बारिश के रूप में हमें घग्गर के थ्रू पानी मिलता है, उसकी राइस सूट पॉलिसियाँ गवर्नमेंट ने बनाई थी कि थोड़ी सी फीस लेके जिमीदार को उसका फायदा दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने वो राइस सूट पॉलिसियाँ इतनी गलत कर दी हैं कि हम वो फीस भरने में असमर्थ हैं उसमें, क्योंकि ये जो राइस सूट पॉलिसी ना होकर एक किसान विरोधी पॉलिसी हो गई है। ये किसान गंडी मरोड पॉलिसी बन गई है, ना कि राइस सूट पॉलिसी है। इस पॉलिसी के जो अब नए मुद्दे सामने आए हैं उसमें एक तो वो कह रहे हैं कि धान इन जो तुम्हारी राइस सूट एरिया है उसमें 25% धान नहीं होना चाहिए। हमारी जमीनों हैं जो धान वाली जमीनें हैं, हम उसमें 25% नरमा या गवारा लगाएंगे तो हम जो उसमें बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 25% रकबा जो है खाली छोड़ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि ये राइस सूट पॉलिसी ड्रा सिस्टम द्वारा निकाली जाएगी। ड्रा सिस्टम हम तो कुदरत का अनमोल तोहफा ले रहे हैं जो कि कुदरत दे रही है, कुछ सरकार से कुछ नहीं ले रहे, उसके द्वारा भी हमें कुछ ड्रा में ये क्या देंगे, ये ड्रा का क्या मतलब होगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इस राइस सूट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि ड्राफ्ट पॉलिसी पहले गवर्नमेंट के साथ भेजी जाए,
और वहाँ पर जिम्मेदारों को बुला के उसमें डिस्कस की जाए कि इस पॉलिसी में क्या क्या बदलाव करना है। पर जो इनके पास पॉलिसी आती है वो पॉलिसी आप अपने आप शोधन करके वापस भेज देते हैं, और जो गवर्नमेंट की किसान मारू पॉलिसी वो ऊपर थोपी जाती है। अब हमें वो पॉलिसी थोपी जा रही है, इस पॉलिसी का हम हर हालत में विरोध करेंगे, क्योंकि इसका पॉलिसी को मंजूर करना हमारी बर्बादी है।